बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 21 हम लोग शुरू कर रहे हैं। 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, 21 चैप्टर हम जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। और मैस डिफेक्ट क्या होता है? वो कहते हैं ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है तो कुछ मैस एनर्जी बन के रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का मैस है वो उसको बनाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मैस से कम होता है। फर्स्ट करेंगे एक न्यूक्लियस है और इसको जो है मैं कहता हूँ कि दो ये प्रोटॉन है और दो ही जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। ये फील्ड सर्कल समझ रहे हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं तो ये मिलके इस न्यूक्लियस को जो है बना रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया है कि न्यूक्लियस का मैस इसको बनाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मैस से जो है वो कम होता है। द डिफरेंस इन द मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड मैस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस इफेक्ट। और इसको हम मैस डेफिसिट भी कहते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि एक एक ग्राम का एक प्रोटॉन है, ये एक जो प्रोटॉन है इसका मैस एक ग्राम है और न्यूट्रॉन का मैस भी एक ग्राम है। ये सिर्फ समझाने के लिए, वैसे तो इनका मैस बहुत कम होता है, ये समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन का मैस भी एक ग्राम है और जो है इस न्यूट्रॉन का मैस भी एक ग्राम है। तो टोटल जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो टोटल जो मैस होना चाहिए न्यूक्लियस का वो 4 ग्राम होना चाहिए। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो न्यूक्लियस है उसका मैस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंबाइंड मैस से यानी 4 ग्राम से कम होता है। द डिफरेंस इन द मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड मैस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट और मैस डेफिसिट। ये क्रिएट क्यों होता है और ये मिसिंग मैस जाता किस तरफ, किधर है? तो जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस सम मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान कुछ मैस एनर्जी बन के रिलीज हो जाता है जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इस मैस डिफेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को एक और तरह से भी साथ में एक्सप्लेन करूँगा। बाइंडिंग एनर्जी को हम इस तरह भी कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, कन्वर्सली ये उलट इसकी डेफिनेशन है। पहले तो हमने ये कहा कि जो मैस डिफेक्ट होता है वो मैस जिस तरफ रिलीज होता है उस मैस की बनने वाली एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन है वो ये है। मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाना चाहूँगा। ये डायग्राम एक्चुअली बहुत जो है वो ईजी डायग्राम थी, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये बाइंडिंग एनर्जी, ये रेड कलर का जो ब्लॉक है इसमें लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जब इस न्यूक्लियस के साथ ऐड की गई तो ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया, सेपरेट हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर बिखर गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैं तो फिर रिपीट करता हूँ, बहुत सुने। इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस सम मैस इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें, द डिफरेंस इन द मैस ऑफ द न्यूक्लियस एंड मैस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट एंड द कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का थोड़ा थोड़ा मैस है वो एनर्जी बन के रिलीज हो जाता है, इस वजह से न्यूक्लियस का मैस उसको बनाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैस से कम होता है।
इसको हम मैस, इस डिफरेंस को मैस डिफेक्ट और इस एनर्जी को मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसको यहां पर उसने एक्सप्लेन किया है कि मैस डिफेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। किसी एलिमेंट जो है उसको जनरल एलिमेंट को हम ऐसे मेंशन करते हैं, फर्स्ट करेंगे एक एलिमेंट है एक्स, इसका एटॉमिक मास लेफ्ट साइड के ऊपर ऐसे ए कैपिटल ए से लिखते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जिसे चार्ज नंबर भी कहते हैं इसको हम कैपिटल जी से ऐसे इसकी बेस में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ए एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये ए एटॉमिक नंबर है, ये जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर वो कैसे फाइंड किया जाता है, न्यूट्रॉन नंबर को कैपिटल एन से मेंशन करते हैं और ये बराबर होता है कैपिटल ए माइनस जी। एटॉमिक मास में से अगर चार्ज नंबर को या एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है, तो ये न्यूट्रॉन नंबर है। अब मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, जी सारे प्रोटॉन्स की तादाद, एम पी एक प्रोटॉन का मास, जब प्रोटॉन्स की तादाद, फर्स्ट करें दो प्रोटॉन है, अब यहाँ पर जी की जगह पर टू लिख देंगे, एक प्रोटॉन का जो मैस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबका मैस आ जाएगा। ए माइनस जी ये न्यूट्रॉन्स की तादाद है, जब इसको आप एम एन से यानी मैस ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उनका मैस आ जाएगा, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको हम मैस इफेक्ट बोलते हैं। ए माइनस डी की जगह पर सम टाइम हम कैपिटल एन भी लिख देते हैं। अब इस मिसिंग मास को, द डिफरेंस इन द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो मास कम हुआ है न्यूक्लियस का, ये एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यानी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, और अगर न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी न्यूक्लियस को वापस करनी पड़ेगी, तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पर एम की बजाय डेल एम सी स्क्वायर लिखें, और इसकी जगह पर हम जो है वो लिख सकते हैं ये डेल एम जो है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाली इस डेल एम की जगह पर ये ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे, z into mass of proton plus a minus e into mass of neutron minus mass of nucleus, और साथ में c square से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको ऐसे किया, बाइंडिंग एनर्जी को हमने e से मेंशन करने के बजाय हमने be से लिखा है बाइंडिंग एनर्जी, और ये डेल एम सी स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में इस डेल एम की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर हमने लिखी थी, ये डेल एम वाली सारी वैल्यू इस जगह पर लिख दी, तो हमारे पास आ गया जी इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन और प्लस ए माइनस जी इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, और ये सी स्क्वायर बाय ब्रैकेट के साथ था, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यानी डेल एम की हर टर्म की जो जितनी भी टर्म है, तीन टर्म्स हैं, हर टर्म्स के साथ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए सी स्क्वायर इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। उसके बाद है उसने एक एग्जांपल सॉल्व की है और कुछ जो है वो यहाँ पर ग्राफ्स है उनको ड्रॉ किया है, उन ग्राफ्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये चार्ज नंबर है और ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है, ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। मास डिफेक्ट काइंडली, अच्छा रिकॉर्ड कोशिश में कर रहा हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग फिर लगाया हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। मास डिफेक्ट का बेटा फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पर बताया तो है, ये इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले यहाँ पर डेल एम की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें। डेल एम की क्या वैल्यू थी, जी इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन और
प्लस ए माइनस जी, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैस हमने लिख लिया, ए माइनस जी इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का मैस आ गया, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, और इसके साथ हमने सी स्क्वायर लिखा। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सारे प्रोटॉन्स का मैस, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सारे न्यूट्रॉन्स की तादाद, जब उसको एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे न्यूट्रॉन्स का मैस आ गया, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस किया। इनमें से इसको क्यों माइनस किया, क्योंकि प्रोटॉन्स का मैस ज्यादा था, न्यूट्रॉन्स का मैस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड मैस न्यूक्लियस के मैस से ज्यादा था, इसलिए हमने इनको पहले लिखा और न्यूक्लियस को बाद में। जब सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर जी एफ पी के साथ भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये सी स्क्वायर ए माइनस जी इंटू एम एन के साथ भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इंटू सी स्क्वायर जो है वो इसके साथ मैस ऑफ न्यूक्लियस के साथ भी आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर इस जगह पे जो है उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन वर्सेस चार्ज नंबर, एलिमेंट्स के चार्जेस को इधर एक्स एक्सिस पे लिया है और मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को वाई एक्सिस पे लिया है। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए जो कंपोजिट वर्ड यूज किया जाता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, जिस तरह स्टूडेंट का वर्ड मेल स्टूडेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और फीमेल स्टूडेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसी तरह जो न्यूक्लियॉन है ये प्रोटॉन के लिए भी यूज़ किया जाता है वर्ड, और न्यूक्लियॉन जो है वो हम न्यूट्रॉन को भी कहते हैं। तो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को अगर बिल्कुल सादा लफ्जों में हम बताएं तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन से कितना मैस जो है वो डिक्रीज हुआ, यानी उनका कितना मैस लेस हुआ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो एक एक प्रोटॉन ने कितना मैस कंट्रीब्यूट किया इन न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान, उसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, या और आप दूसरी तरह ये कह लें कि एक एक प्रोटॉन का जो थोड़ा थोड़ा मैस एक प्रोटॉन का और एक एक न्यूट्रॉन का जो थोड़ा थोड़ा मैस डिक्रीज हुआ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको डायलेमा और ये कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में बुक ने क्या किया है और बकिया बुक्स में भी यही ग्राफ ड्रॉ करते वक्त इसको ऐसे किया कि न्यूक्लियस के मैस में से कंबाइंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैस को माइनस कर दिया, ये ऊपर हमारे पास डेल एम टोटल मैस डिफेक्ट आ गया, नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस का मैस कम होता है और उसको बनाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड मैस ज्यादा होता है, जब कम में से ज्यादा माइनस करेंगे आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, जब आप उसको ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, यानी एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन का जो मैस जो है वो डिक्रीज हुआ है वो उसको हमारे पास आ जाएगा, और ये नेगेटिव में क्योंकि इतना मैस लॉस हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव के अंदर आया। ये पुरानी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला इस तरह लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में, नई बुक्स में क्या किया हुआ है कि ये जी इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन और ए माइनस जी इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म पहले लिखी है और ये वाली बाद में लिखी है। तो ज़्यादातर जो हायर लेवल की बुक्स मैंने देखी हैं उनमें इसी पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ, जैसे ये ओल्ड पैटर्न के ऊपर है, और ये ग्राफ जो बुक ने रहने दिया है ये भी इसी पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। इस ग्राफ में नेगेटिव साइन आए इसलिए हैं क्योंकि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कम्बाइन मैस को माइनस किया गया है, न्यूक्लियस का मैस कम था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कम्बाइन मैस ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फेरम है, क्रिप्टॉन है, टिन है, ओस्मियम है, लेड है और यूरेनियम है। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है याद रखने का, मैंने तो एक सेंटेंस बना कर इसको याद रखा हुआ है, एच बी ई कॉस फिकर सन ओस पी बी यू, ये तो यानी इस तरह मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ और उससे फिर याद रखना ईजी है, एच बी ई कॉस फिकर सन ओस पी बी यू। आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं जैसा आपको ईजी लगे, एच डी कॉस फिकर सन ओस पी बी यू, ये जस्ट इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस बनाया, उसमें सारे एलिमेंट जो है वो याद हो जाते हैं, और इसमें 0.007 और नेगेटिव का ये जो 0.007 और नेगेटिव का 0.008 इनके दरमियान भी दो एलिमेंट हैं, नेगेटिव का 0.008 और नेगेटिव का 0.009 इनके दरमियान भी दो एलिमेंट हैं, आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद
10 और 20 के दरमियान एक एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है और वो सल्फर है, और 30 के ऊपर उसके करीब जो है वो फेरम है, इसी तरह 40 के करीब क्रिप्टॉन है, 50 के ऊपर है। तो 10 और 20 के दरमियान एक एलिमेंट है, फिर 30 के करीब एक एलिमेंट, फिर 40 में, फिर 50 के करीब, फिर 70 और 80 के दरमियान एक है, फिर 80 और 90 के दरमियान के साथ जो है वो एक है। इसी तरह यूरेनियम भी जो है वो इनके दरमियान 90 थोड़ा आ गया है, 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसमें ये आप इसको ग्राफ पे याद कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मोर नेगेटिव होता जा रहा है इस तरफ, इसका मतलब मैस इफेक्ट हाइड्रोजन में सबसे कम है, और उसके बाद बेरिलियम में ज़्यादा है, अपर न्यूक्लियन और हीलियम में फिर ज़्यादा है, क्योंकि मोर नेगेटिव का नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इतना मैस मिस हो गया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मैंने पहले बताया कि एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन का इतना इतना मैस है वो मिस हो गया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो बेरिलियम का ज़्यादा, फिर हीलियम का उससे ज़्यादा, कार्बन का उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन का, सल्फर का, फेरम का मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा, यानी इससे मुराद ये है कि फेरम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन में से बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली मैस जो है उनका मिस हुआ है। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप फेरम के न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखें फेरम में मैस डिफेक्ट ज़्यादा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, और इसको तोड़ने के लिए, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछ लें कि मैस डिफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट के में है, तो आप कहेंगे कि फेरम में मैस डिफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज़्यादा फेरम है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक दूसरी एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दी हुई है, आप अगर टेक्स्ट बुक साथ में रख लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ ये ग्राफ जो है जो ज़्यादा क्लियर है वहाँ से हम देख लेते हैं। दूसरा एक पिक्चर है, ये मेरे पास दूसरा ग्राफ है, उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर हुआ जी। तो ये वाली कैलकुलेशन ये एग्जाम्पल से सॉल्व की, एग्जाम्पल को भी मैं सॉल्व करवाता हूँ, पहले हम इसको देख लें। ये न्यूक्लियन नंबर है, न्यूक्लियन नंबर से मुराद एटॉमिक मास, और ये हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल है मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन को जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये आप इसको जहन में रखेंगे कि मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन को जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे साथ में लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव समटाइम बन जाता है मैश इफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसका दूसरा नेम जो है पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा, अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर जो है ये इसके वर्सेस ग्राफ ड्रा किया है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मुराद ये है कि एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन से कितनी कितनी एनर्जी निकली, और उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ड्यूट्रियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, फिर ट्रिटियम की ज़्यादा होगी, और हीलियम की फिर काफ़ी ज़्यादा होगी, लिथियम की कम होगी। अब इसको ग्राफ बनाना कैसे है, पहले आप इसको इधर ले जाएं, ये 6 और 8 के दरमियान में ऑलमोस्ट 7 पे, 7 से फिर आप इसको 5 के करीब लेके आएँ और डब्ल्यू की शक्ल बनाकर फिर इधर से कर्व कर दें। और ये जो ऊपर वाले 3 इसके कॉर्नर हैं, ये जो 1 और ये 2 और ये 3, इसको तो याद रखने के लिए मैंने ये बनाया हुआ हीनो, हीलियम को एच की हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस कॉर्नर के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर, यहाँ पे नाइट्रोजन है और वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इसके साथ लिथियम है, फिर जो है वो बेरिलियम है, इधर बेरिलियम इसने नहीं लिखा, यहाँ पर बेरिलियम आता है बुक ने दिया हुआ है, और फिर कार्बन है, फिर फ्लोरीन है, फिर फॉस्फोरस है, और फिर जो है वो पोटाशियम है। फॉस्फोरस है और पोटाशियम को याद रखने के लिए पी के आप नेम रख लें, पी के तो एक थोड़ा फेमस नेम है, शायद आपको सबको पता ही होगा। और उसके साथ जो है आगे एलिमेंट्स के नेम याद रखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी जो बुक में दिए हुए हैं, या आप इसको कह लें
ये फेरम और फिर कर सर मोसन, ये क्रिप्टॉन, स्ट्रॉन्शियम, मोलिब्डेनियम, टिन, ज़ीनॉन, ये बेरियम और उसके साथ टंगस्टन, और ये गोल्ड, ये बिस्मथ, फिर रेडॉन, ये रेडियम और ये यूरेनियम, ये यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर आप देखें तो वो एटॉमिक मास 58 के ऊपर है। एटॉमिक मास 58 के करीब जो एलिमेंट है वो 56 है, और वो 56 एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक मास है वो फेरम है। तो फेरम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है, जो कि 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, और उसके साथ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और उसके साथ फिर जो है ये फेरम के एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन से निकलने वाली एनर्जी जो है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बाकी सब एलिमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी फेरम का जब न्यूक्लियस बनता है तो एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन से 8.5 ऑन द एवरेज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो आयरन ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट जो स्टेबल एलिमेंट है वो है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को की फॉर्मेशन के दौरान सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब आयरन को बनाया जाएगा इसके न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी तो उस दौरान सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होगी। और यूरेनियम 238 पे जाकर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थोड़ी सी कम हो गई है और वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर हम ये एक मैस डिफेक्ट की एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हीलियम की एग्जाम्पल उसने दी है कि हीलियम की हमने मैस डिफेक्ट और इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला जी इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस सी लिखते हैं या एन ए लिखते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एन बराबर होता है ए माइनस ए के, तो दोनों तरह लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन नंबर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर उसने एन लिखा है, आप एन की जगह पर ए माइनस सी भी लिख सकते हैं। तो इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ हीलियम। अब हीलियम का सबको पता है, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये हीलियम का जो न्यूक्लियस है इसमें दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं। तो दो प्रोटॉन्स का जो मैस है वो हमारे पास 2 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन आ गया, और यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, और हीलियम का मैस तो 2 इंटू प्रोटॉन का मैस जो है वो 1.007825 है, और न्यूट्रॉन का मैस 1.008665 है, और जो हीलियम है इसका मैस 4.0028 है। इनको सॉल्व किया सारे को तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट आ गया 0.03018 यूनिफाइड है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बात भी ध्यान में है कि प्रोटॉन के मैस इस चैप्टर के अंदर दो जगह पर डिफरेंट दिए हुए हैं। एक जगह पर 1.007276 दिया हुआ है, और एक जगह पर प्रोटॉन का मैस 1.007825 यूनिफाइड है। तो सब एटॉमिक वर्ल्ड में फ्यू थिंग्स ही हम एग्जैक्टली मेयर कर सकते हैं, तो इसलिए बाद लैब्स का रिजल्ट जो है उसमें प्रोटॉन का मैस 1.007825 है और बाद का दूसरा। तो लगता ही है कि आथर ने मुख्तलिफ बुक से ये जो है वो टॉपिक्स लिए हैं, और दोनों के डिफरेंट मैसेज है वो आप देखेंगे आगे चलते हैं। प्रोटॉन के मैस डिफरेंट यूज़ हुए हैं इस चैप्टर के अंदर बाज़ टॉपिक्स में। तो खैर वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था, उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो ये अगर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मैस इफेक्ट इतना आ गया। अब एक यूनिफाइड मैस होता है, वन यूनिफाइड, उसकी अगर एनर्जी बनाई जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक फार्मूला ये है, ये अपने जहन में रखना है। बाइंडिंग एनर्जी दो इसके फार्मूले, दोनों मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक फार्मूला तो आपने डेल एम सी स्क्वायर पढ़ा है, और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा है डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फार्मूला तब वैलिड है जब आपके पास मैस यूनिफाइड स्केल में हो। इसके साथ ये यूनिफाइड होगा, इसके ओवर में जो यूनिफाइड है वो कट जाएगा, जिस तरह ये वाला यूनिफाइड और ये वाला यूनिफाइड आपस में कट जाएगा। तो डेल एम इंटू 931 वाला फार्मूला कब वैलिड होगा, जब मैस किसमें दिया गया होगा, जब मैस जो है वो यूनिफाइड स्केल में दिया हो। यूनिफाइड क्या होता है, आप एटॉमिक मैस यूनिट पढ़ते रहे हैं, कि 1 AMU बराबर होता है कार्बन एटम के मैस का 12वां हिस्सा। आप इसको केमिस्ट्री के अंदर AMU ऐसे पढ़ते रहे हैं, तो 1 AMU या 1 यूनिफाइड जो है ये बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10^-0.6 भी लिखने साथ में 1.6606
क्रॉस 10^-27 किलोग्राम, एक यूनिफाइड इसके बराबर होता है। और एक यूनिफाइड क्या होता है, कार्बन एटम के मैस का 12वां हिस्सा होता है, 12th पार्ट ऑफ द मैस ऑफ द कार्बन एटम इज कार्बन यूनिफाइड। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो हीलियम की आई 28.2 आई। हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें टोटल एटॉमिक मास उसका 4 है, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करने के लिए उसको 4 से डिवाइड कर दिया। 28.2 को 4 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो ये 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, आपसे समटाइम ये कह सकता है प्रूव दैट 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा था, 1 यूनिफाइड इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समटाइम ये कहता है कि इसको प्रूव करें। तो इसको आपने कैसे प्रूव करना है वो देखिएगा कि मैस की जगह पर आप लिख देंगे 1.6606 क्रॉस 10^-27 और सी स्पीड ऑफ लाइट है, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2.9979 क्रॉस 10^8 लिखेंगे, फिर उससे आंसर ज़्यादा करीब आ जाएगा स्केयर। इसको मल्टीप्लाई किया जाओ इसमें आ गई आपकी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1.602 क्रॉस 10^-19 से, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये दो नंबर का प्रूफ भी आ रहा है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। एक यूनिफाइड मास की एनर्जी बनाया जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना जो है वो काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सब्जेक्टिव के लिहाज से, दोनों लिहाज से अहम है।